भारत और अमेरिका के बीच $3 अरब की रक्षा डील पर दस्तखत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद पर पाक को सुनाया। ट्रंप ने कहा कि भारत के इस दौरे को कभी नहीं भूलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका से भारत की साझेदारी अहम, एनर्जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और व्यापार है महत्वपूर्ण। भारत में अमेरिकी निर्यात 60% बढ़ा, ये कहना है ट्रंप का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस दौरे में रक्षा सौदे को महत्वपूर्ण माना जा रहा था और वैसा ही हुआ। अहमदाबाद में आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में ट्रंप ने पहले ही इसके संकेत भी दे दिए थे। दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद ट्रंप मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों मुल्कों के बीच रक्षा सौदे में $3 अरब की डील हुई है। इस डील में MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि इस डील से दोनों देशों के रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। Earlier today, we expanded our defense cooperation with agreements for India to purchase more than $3 billion of advanced American military equipment, including Apache and MH-60 Romeo helicopters, the finest in the world. These deals will enhance our joint defense capabilities as our militaries continue to train and operate side by side. ट्रंप ने इस मौके पर कहा कि हमने भारत अमेरिका पार्टनरशिप के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की है। एनर्जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और व्यापार महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने लगातार दूसरे दिन मुस्लिम आतंकवाद और पाकिस्तान को भी नसीहत देने की बात कही। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ट्रंप परिवार का भारत दौरा उनके लिए यादगार पल है। मोदी ने कहा कि रक्षा सौदे के साथ ही अमेरिका भारत के लिए तेल और गैस का स्रोत बना है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक बहुत अहम हिस्सा है। अत्याधुनिक रक्षा उपकरण व प्लेटफॉर्म पर सहयोग से भारत की डिफेंस क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। तेल और गैस के लिए अमेरिका भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। पिछले 4 वर्षों में हमारा कुल एनर्जी व्यापार करीब $20 बिलियन रहा है। ट्रंप ने कहा कि उनके कार्यकाल में भारत में अमेरिकी निर्यात 60% बढ़ा है। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का समझौता भी हुआ है। ट्रंप दंपति का दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। ट्रंप की पत्नी मेलानिया दिल्ली के सरकारी स्कूल की हैप्पीनेस क्लास में भी गई, जिसे उन्होंने यादगार पल बताया। ट्रंप के दौरे को केंद्र सरकार सफल और अद्भुत बता रही है, लेकिन FTA सहित कई मुद्दों पर अभी भी भारत को अमेरिका के उत्तर का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। We'll be right back.
स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे नमस्ते ट्रंप के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दो दिवसीय दौरा रहा कैसे, हम उसको लेकर के चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आरपी विजय साहब भाजपा नेता है, डॉक्टर करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं, प्रोफेसर विद्या जैन हमारे साथ में हैं जो पूरे ट्रंप के दौरे को राजनीतिक विश्लेषण से बताएंगे, आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री साहब हमारे साथ है, सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर करोड़ी सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, दो दिवसीय दौरा, डील, तमाम जो चीजें हैं वो सबके सामने हैं, इस दौरे को किस तरह से देखा जाए? योगेंद्र जी, ये जो भी दौरा होता है उसमें दो पक्ष होते हैं और इस दौरे के भी दो पक्ष हैं, एक तो कल जो कुछ हुआ, एक आज जो कुछ हुआ। और कोई भी देश का नेता आता है, किसी भी देश में, अगर हमारा वहां दूसरे देश में जाता है या वहां का यहां आता है, वो हार्ड कोर नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में कर आता है और हर देश का एक लोकाचार के हिसाब से वो मेहमान होता है, तो मेहमान का स्वागत वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं और उसको अभिभूत करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से कल अमेरिका के राष्ट्रपति आए और उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ वो बहुत खुश हुए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का जो व्यक्तित्व है और जिस तरह के वो हार्ड टास्क मास्टर हैं, उनका एक टफ बिजनेसमैन और नेगोशिएटर है और एक शूड पॉलिटिशियन है, और वो दोनों ही चीजें इन दो दिनों में रिफ्लेक्ट होती हैं। कल जो कुछ हुआ वो भारतीय साइकोलॉजी को, इंडियन मनोविज्ञान को समझता था, उन्हें फिल्म, क्रिकेट, पॉलिटिक्स सबकी वहां पे बातचीत की, गुड्डी गुड्डी बातें की और ऐसा लगा बहुत अभिभूत हुआ है, बहुत सिंपल है और इनको आसानी से भारतीय नेता है या भारत के साथ कोई अच्छे नेगोशिएशन हो जाएंगे, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, गुड्डी गुड्डी बातें होती हैं, मेहमान थे हमारे, हमें भी उसका अच्छा स्वागत करना था, बहुत अच्छा हुआ। आज जो बातें हुई वो एक टफ स्थिति थी, वहां टफ नेगोशिएशन होना था। तो ट्रंप ने जैसे एक पुस्तक लिखी आर्ट ऑफ डील, तो उसको आज उन्होंने प्रैक्टिस में दिखा दिया। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अमेरिका ने मार्च में जीएसपी को विड्रा किया था, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज, डब्ल्यूटीओ के तहत जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसको कुछ उनको कंसेशन देने में, उनमें चीन भी है, भारत भी है, तो मार्च में विड्रा कर लिया था। मैं सोच रहा था उस पर कोई बातचीत होगी और कुछ रिलैक्सेशन ट्रंप भारत को देके जाएंगे, भारतीय एक्सपोर्ट हैं उनको वहां बढ़ावा मिलेगा, तो इस पर बात हुई। मेरे ख्याल से अभी मीडिया में कोई चीज नहीं आई है कि बातचीत हुई, अगर हुई तो ट्रंप ने निश्चित रूप से उसके लिए हां नहीं की होगी, क्योंकि अमेरिका की नीति है अमेरिका पहले और भारत की नीति है न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया और अमेरिका पहले में किस तरह से सामंजस्य बैठाएं, ये सबसे बड़ी चुनौती दोनों ही तरह के साइड से नेगोशिएटर्स के सामने थी। और इसमें सामंजस्य बैठाने में भारत का हित पूरा हो, अमेरिका का हित पूरा हो, तभी कुछ हो सकता था। तो ट्रंप ने बहुत ही सफलता के साथ अमेरिका का हित था वो पूरा करने का प्रयास उन्होंने किया। जी चलिए विद्या जी के पास में जाना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में के मोटेरा स्टेडियम में जब ये सब कुछ चल रहा था, ट्रंप तमाम चीजों के साथ इमोशंस भी, यहां की खूबी भी, सब बातों को जिक्र कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो एक मैं महसूस कर रहा था, एक सेल्समैन की भूमिका में भी थे वो, अपने प्रोडक्ट्स की बात करके कि आज हमारे पास में रक्षा के तमाम पैरामीटर्स को पूरा करने वाले हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, भारत को रणनीति में आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि उस प्लेटफॉर्म को उन्होंने अपने सेल आउट के लिए भी यूज किया और जो रक्षा सौदा हुआ $3 अरब का उस पर वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। तो यहां मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जैसे अभी डॉक्टर साहब करोड़ी सिंह जी ने कहा कि अमरीकी फर्स्ट, वैसे तो खैर देखिए हर मुल्क का अपना एक एजेंडा होता है कि वो हर कोई चाहता है कि मेरा मुल्क के साथ अगर किसी का एग्रीमेंट होता है तो मेरे हित भी उसमें कहीं हल्के ना रहे, ये हम एक भरोसा कर सकते हैं। पर इन्होंने एक बात कही अभी कि न्यू इंडिया और अमेरिकी फर्स्ट, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं दो तीन छोटी छोटी बातें हैं कहते हैं, हमेशा विदेशी नेतृत्व यहाँ आता रहा है, अमेरिका और हिंदुस्तान जैसे मुझे हमेशा लगता है कोई बहुत बराबरी के स्तर पे खड़े नहीं है, तो उस तरह की दोस्ती की आशा रखना और बहुत सारी अपेक्षाएं रखना भी गलत होगा। ये वाला जो सारा ट्रंप का दौरा है वो दो तीन तरीके से बहुत अलग दिखाई देता है। एक तो ये कि बहुत, क्योंकि ओबामा भी इससे पहले आए थे और भी राष्ट्रपति आते रहे, इसको जितना बड़ा एक रूप दिया गया और पीपल सेंट्रिक बनाया गया, जनता से जुड़कर जो ट्रंप को बहुत आनंद आ रहा था, और आज तो वो कह भी गए कि मैं पुनः
राष्ट्रपति बनूंगा और फिर जिस फाइनेंशियल इंटरेस्ट की आपने बात की कि अगर मैं नहीं बना तो फिर तो पूरी इकोनॉमी ना सिर्फ मेरे देश की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी भी क्रश हो जाएगी। तो निश्चित रूप से जैसे करोड़ी सिंह जी ने कहा कि ट्रंप एक बहुत बड़े व्यवसायी भी हैं, बदशूट राजनीतिज्ञ भी हैं और इस पहली दुनिया का एक नेतृत्व वो करते हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। पर यह दौरा मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए बहुत एम्बिशियस दौरा है और ट्रंप ने इसको भुनाने की कोशिश की। वो 40 लाख हिंदुस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं और हिंदुस्तानी वो है जो आज वहाँ बहुत महत्वपूर्ण वॉइस है, वोटर भी है वहाँ के, वहाँ का वोटर है, बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस है, दे हैव सम कंट्रीब्यूशन। वो नहीं है कि जब कहते थे कि हिंदुस्तान का वो टैक्सी ड्राइवर, हर तीसरा आदमी वहाँ डॉक्टर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सेनेटर है, लॉबियर है, यू नो व्यवसायी है, अमीर वर्ग में वो शामिल होता है और उसकी वॉइस की बहुत महत्व है। ट्रंप इस सब बात को जानते थे इसलिए इस टाइम को भी देखे कि वो कब आए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण सौदे या ज्यादा महत्वपूर्ण डील्स हमारे हिस्से में ट्रंप टू अगर कोई काल हुआ उसमें निकलकर सामने आएगी। पर हम इस, मैं थोड़ी आशावादी हूं इस रूप में कि हम इस दौरे को भी बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस एम्बिशियस ढंग से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको आमंत्रित किया और जो दोस्ती का पूरा एक नगाड़ा बज रहा था वो समा मैं खुद पूरा उनका देख रही थी और हालांकि वो इतने अभिभूत थे कि वो तो महात्मा गांधी का नाम ही साबरमती में लिखना भूल गए और नरेंद्र मोदी को ही धन्यवाद करते रह गए जिनको आज उन्होंने सुधारा और पत्नी और पुत्री और अपने जवाई को साथ लेकर आए। तो ये जो डिप्लोमेसी के दोनों भाग होते हैं, जो एक ऊपर का भाग है जो बहुत एस्थेटिक है, खूबसूरत है, प्यार। तो इस दौरे में दो चीजें आपको खूबियां जो मैं कह सकता हूं कि डिप्लोमेटिक और बिजनेस पर्पस दोनों कही जा सकते हैं इसमें, दोनों है निश्चित रूप से, दोनों बिल्कुल उसी ओर देखा जाना चाहिए। चलिए मैं देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, हम एक दिन पहले भी काफी डिटेल चर्चा कर रहे थे खासकर ट्रंप के स्पीच को लेकर के, अब तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी हैं, डील क्या हुई वही सामने आ चुकी है, तो क्या कहा जाए इस डील को? देखिए, हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे एक दिन पहले तो हमारे दूसरे साथी ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मोदी इज टफ नेगोशिएटर, तो मैंने कहा था कि ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, यहाँ पर मोदी जी को कुछ कवर देने की कोशिश हो रही है कि कल को अगर नेगोशिएशन में मोदी जी का डाउन वर्ड्स, ये जो एटीट्यूड नजर आए लोगों को, तो कम से कम वो कवर हो जाए। तो वो साबित किया इन्होंने कि कहा तो टफ नेगोशिएटर मोदी जी को, लेकिन मोदी जी को ठग करके वो चले गए। उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज जो हिंदुस्तान के मूल के जो अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं उनको, अब उनको अट्रैक्ट करने के लिए हिंदुस्तान में ट्रंप साहब की किस तरह की, क्योंकि देखिए एक चीज आपको पता होगी कि वहां पर जो इंडियन मूल के जो लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सपोर्ट उस तरह से नहीं करते हैं। ये उनके लिए नया सेक्शन होगा जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में आएगा। तो उस पूरे 40 लाख वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती वाला जो पार्ट दिखाना था वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिखाया और हिंदुस्तान बिछ गया डोनाल्ड ट्रंप के सामने। एक वर्ड यूज किया आपने कि वो ठक्कर के चले गए, ये ठगी क्यों लग रही है आपको? ठगी इसलिए लग रही है कि देखिए पॉलिटिकली उन्होंने जो कुछ माइलेज लेना था वो लिया, खुल करके लिया और ये भी कहा कि साहब टफ नेगोशिएटर मोदी साहब है, लेकिन अल्टीमेटली जो सौदे हुए हैं उसमें उन्होंने साबित किया कि टफ नेगोशिएटर जो है डोनाल्ड ट्रंप है, मोदी नहीं है। और जो सौदे किए गए हैं वो रक्षा विभाग के सौदे हैं, जो कि देखिए किसी भी देश को आप रक्षात्मक उपकरण बेच रहे हैं तो वो कोई देश की ठीक है ताकत के लिए तो जरूरी हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी के लिए कभी भी वो फायदे के सौदे नहीं होते हैं, बहुत महंगे होते हैं ये सब उपकरण। और रक्षा के ऊपर जो है आपने किन रेट्स पे बातचीत की है ये भी एक अभी एनालिसिस उसका होना है कि चूंकि जो उससे पहले फ्रांस के साथ जिस तरह के नेगोशिएशन हुए थे उसमें जो एरोप्लेन्स फाइटर एरोप्लेन्स लिए गए थे उनकी कीमत 3 गुना थी, ये वाला पार्ट भी अभी नेगोशिएट होना है कि उसमें क्या इन्होंने कोई फायदा किया या उसमें भी ट्रंप साहब जो है वो ठग करके गए हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि
मोदी साहब की मजबूरी का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। हिंदुस्तान में इस वक्त मोदी साहब की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें थोड़ी सी वीकनेस आ रही है, और मोदी साहब चाहते हैं कि इंटरनेशनली अमेरिका उसके सपोर्ट में पूरी तरह से खड़ा हो, और इसके लिए वो उसको रिझाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाह रहे हैं कि मोदी अपने एक ग्लोबल इमेज को लेकर के ज्यादा चिंतित थे। इसके लिए वो हिंदुस्तान के आर्थिक जो इंटरेस्ट है उनके साथ भी एक नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो गए, ये इस बात का संकेत। चलिए आरपी विजय साहब इसका जवाब देंगे। विजय साहब, तमाम जो बातें हैं उसको लेकर के ट्रंप लगातार मोदी साहब की जो तारीफ कर रहे हैं उसको लेकर के हमारे भी शास्त्री साहब हैं जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने साफ कहा एक डिप्लोमेटिक कवर कहें तो इसे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ताकि अगर कहीं पे कुछ लगता है तो इस बात को मोदी भी भुना सकें कि देखिए इस बात का एहसास ट्रंप को भी है कि हम हमारे देश के लिए, हमारे हितों के लिए हम किसी के आगे भी बिल्कुल झुक नहीं सकते। योगेंद्र जी, सभी को पता है कि कोई भी देश अपने स्वाभिमान से कोई भी समझौता नहीं करेगा। तब नेगोशिएटर जैसा उन्होंने बोला ट्रंप ने, वो बोले या नहीं बोले, मोदी जी वैसे भी टफ नेगोशिएटर है। दूसरी चीज, आज आपने बताया देवेंद्र शास्त्री जी ने कि किस तरीके से उन्होंने रक्षा सौदा बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हमारी रक्षाएं, अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे। आज जो हमारे को जरूरत थी, जो हमारे अपाचे और रोमियो जो हेलीकॉप्टर जो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही आज की तारीख में जो आईटी से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए हमारे को ये जरूरी था कि ये सौदा हो। तो अभी तक फिगर सामने नहीं आए, बट इन्होंने कहा कि वो ठगे चले गए, तो मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि किस तरीके से ठगे चले गए। ये सिर्फ यही मान के चल रहे हैं कि जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, आपने जो फ्रांस की बात करी तीन गुणा, तो अभी तक जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है कि किसी तरीके का कुछ नहीं हुआ उसके अंदर, और जो चीजें उन्होंने लगाई, क्योंकि क्या होता है कि सेंसिटिव होती है कि सुरक्षा जो मामले होते हैं ये उनको खुल के सामने नहीं किए जाते, इसमें क्या चीज लगेगी क्या नहीं लगेगी हमारे पड़ोसियों को हम नहीं बता पाते। मेरा एक सवाल है सर यहाँ पे, वजह से ये जरूरी है कि उन्होंने नहीं बताई। विजय साहब, मैं आपके पास आऊंगा, दोनों के पास में मैं एक बार के लिए मैं जाना चाहूंगा। हमारे बीच दो प्रोफेसर हैं, इनके साथ में डॉक्टर साहब के पास में जाना चाहूंगा, करोड़ी सिंह जी के पास में। सर, मैं एक स्लोगन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा जिसे हम सब लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दो चीज को लेकर के, अमेरिका हो चाहे रूस हो चाहे फ्रांस हो, हम लगातार पहले जो टेन्योर मोदी साहब का रहा उसमें मेक इन इंडिया की बात रही, ये बहुत बड़ी डील है रक्षा सौदे की। तो हम क्या टेक्नोलॉजी को उनसे लेके या फिर इसको मेक इन इंडिया की तर्ज पे कुछ ऐसा लग रहा है कि उससे और भी कुछ गए होंगे, क्योंकि देखिए डील अभी डील की डिटेल आई नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये अवसर था मेक इन इंडिया को बुलाने का मोदी साहब के सामने अगर हुआ है तो? देखिए योगेंद्र जी, मेक इन इंडिया के बाद भी हमारी सरकार या हमारा जो नेतृत्व है वो ये भी कहने लगा असेंबल इन इंडिया, मेक ऑफ इंडिया से एक कदम आगे भी हम बढ़ गए हैं। तो मेक इन इंडिया संभव नहीं है, क्योंकि इंडिजीनियसली हम बहुत से काम नहीं कर सकते, न हमारे पास उतने हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। तो हम असेंबल इन इंडिया की बात हमारी सरकार ने अनाउंस भी कर दी है, कई बार ये अनाउंस कर चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि असेंबल इन इंडिया होना चाहिए। तो कितना क्या असेंबलिंग होगा ये तो जब डील की डिटेल्स आएंगी तभी मालूम होगा। लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह हैं तो उसमें मुझे नहीं लगा कि एचएएल को तो हमने पहले ही अलग कर दिया है डील से, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन नहीं माना जा सकता किसी भी रूप में। तो इस रूप में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा असेंबल इन इंडिया और मेक इन इंडिया यहां हो पाएगा। और मेरे ख्याल से ऐसा हमारे प्रधानमंत्री को पहले से एहसास भी था मेक इन इंडिया को लेकर। जब चाइना विजिट की थी, चाइना में जब यूनिवर्सिटी में वो एड्रेस करने गए थे, तो वहां प्रधानमंत्री एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, इंडिया कैन हैज ए कैपेसिटी एंड मैन पावर टू वर्क इन बैक ऑफिस एंड चाइना कैन बी ए मैन्युफैक्चरिंग हब। ये हमारे प्रधानमंत्री की कही हुई बात है। तो प्रधानमंत्री समझते हैं बहुत सी बातें, लेकिन कभी कभी एक नेतृत्व को समाज में या देश में निराशा न हो इसलिए बहुत सी बातें कहनी पड़ती हैं। तो प्रधानमंत्री भी ये समझते हैं कि हमारी कितनी कैपेसिटी है, हम कितने एक सीमा तक जा सकते हैं। जैसा कि उसके पश्चात हमारे विजय साहब ने यह कहा कि भाई रक्षा इक्विपमेंट जरूरी है, तो रक्षा इक्विपमेंट के हैं वो सबसे ज्यादा खरीदने वाले सऊदी अरब और भारत हैं दुनिया में। लेकिन सऊदी अरब में उतनी गरीबी नहीं है जितनी भारत में है, तो हम किसको प्राथमिकता दें? इस पर एक बयान और मैं कोट करना चाहूंगा, एक बयान और मैं कोट करना चाहूंगा। अभी ट्रंप ने कहा कि जब से मेरा कार्यकाल रहा 5 ये
तो इसमें 60% निर्यात अमेरिका का भारत में बढ़ा है, तो मतलब काफी हमारी डिपेंडेंसी उस ओर जा रही है। ये बात भी सही है कि दुनिया द्विपक्षीय व्यापार में भारत का सबसे बड़ा जो पार्टनर है वो अमेरिका है, चाइना भी इससे पीछे रह गया। अब देखिए अमेरिका का निर्यात तो बढ़ा है, भारत का हमारा एक्सपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, उसमें उन्होंने जीएसपी को विड्रा करके मेरे ख्याल से भारत के हित को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। ट्रंप ने अमेरिका से यहां आते वक्त कहा कि भारत ने उसके हितों पे चोट पहुंचाई है, लेकिन मुझे लगता है ट्रंप ने मार्च में भारत के हितों पे सबसे बड़ी चोट की थी जब जीएसपी को विड्रा किया था। जीएसपी में भारत के जो एक्सपोर्ट जाते थे उसमें रिलैक्सेशन मिलता था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के तहत, तो उन सबको उन्होंने विड्रा कर लिया, तो भारत के एक्सपोर्ट है वो नेगेटिव रूप से प्रभावित हुए हैं। और उन्होंने कहा कि ये तो रिसिप्रोकल होगा, अगर भारत कंसेशन देगा हम देंगे, नहीं तो हम भी नहीं देंगे। तो भारत ने कुछ रिटालिएटरी मेजर्स भी लिए, बहुत से अमेरिकन इंपोर्ट्स पे ड्यूटी बढ़ाई थी, ये सब कुछ हुआ, लेकिन उस पर बात हुई या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी मीडिया में सामने नहीं आई है। और उसमें कंसेशन ट्रंप किसी भी रूप में नहीं देगा, और आज अमेरिका की नीति है वो जितने बहुपक्षीय समझौते हैं या बहुपक्षीय समझ पाता। मैं वो बात आपसे एक जानना चाहता हूं कि इस पूरे रक्षा डील के अंदर ये थोपा हुआ सौदा माने कि हमारी जरूरतों को अमेरिका पूरा कर रहा है। देखिए थोपा हुआ तो नहीं, हमारी जरूरत है, हम इतने कमजोर नहीं कि कोई हमारे ऊपर थोप दे, हमारी आवश्यकता तो है, लेकिन हम हमारी आवश्यकताओं को दूसरी जगह से पूर्ति करेंगे तो भी पैसा देना पड़ेगा, इनसे लेते हैं तो भी पैसा देना पड़ेगा। चलिए ये मान सकते हैं कि महत्वपूर्ण डील उस ओर दोनों नेता आगे बढ़े, ये तो माना जा सकता है। डील तो महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा है या नहीं, हम गरीबी को एड्रेस करें, जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि हम मिलकर गरीबी से लड़ें, क्या मिलकर लड़ रहे हैं गरीबी से? अमेरिका में भी गरीबी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ट्रंप ने अभी कहा कि कुछ डीरेगुलेशन करूंगा, रेगुलेशंस को कम करूंगा, टैक्स रिबेट दूंगा जिससे वहां अमेरिका में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, क्या भारत में भी इस तरह का कोई नीति बनने जा रहा है? वो कहेगा। देखिए इस दौरे में दो मेजर चीजें भी थी जिसपे हम एक दिन पहले, क्योंकि देवेंद्र शास्त्री साहब खुद भी एक बड़े उसमें प्लेटफॉर्म पे एक जर्नलिस्ट के नाते ट्रेड को काफी देखा है उन्होंने नजदीक से, हम FTA और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तो उसको लेकर के चर्चा कर रहे थे, और एक हम जानना चाह रहे थे कि H1B1 में क्या होगा वीजा में। मैं ब्रेस ब्रीफिंग देख रहा था उनकी, तो दोनों को लेकर के कहा कि मिलकर के हम इसका हल ढूंढेंगे। तो 5 साल ट्रंप साहब को इस ओर लग चुके हैं और ये FTA को लेकर के। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आप लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, हाल ही के दिनों में विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी से भी बाहर कर दिया था जिसका हमें नुकसान हुआ, और जिसमें यह कहा गया कि हमारी जो सब्सिडी है इंडस्ट्रीज की वो उसका मिसयूज कर रहा है इंडिया, एक सवाल खड़ा किया था। तो मैं विद्या जी के पास में जाना चाहूंगा यहाँ पे। विद्या जी अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि देखिए ये अमाउंट एक तो बड़ी बात है, और ये बात तो सही है क्योंकि ये सवाल देखिए पॉलिटिकल माइलेज में आप लोग तो बड़े सुलझे हुए प्रोफेसर हैं, इस बात को अपने अंदाज से कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल ये कहेंगे कि ट्रंप अपने एजेंडे को भारत पर थोप के चले गए। इसी वजह से मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा था कि ये थोपा हुआ माने या फिर ये कहे कि हमारी जरूरतों को अमेरिका पूरा कर रहा है, आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारी मजबूरी करनी चाहिए। नहीं देखिए अभी एक ट्रंप साहब ने एक बात की थी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक जी बिल्कुल बिल्कुल और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका भी उस रिसेशन से जूझ रहा है, उस अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है, उस गरीबी से जूझ रहा है। हम दोनों अलग अलग पेडेस्टल पे खड़े हैं पर वो भी उन समस्याओं से जूझ रहे हैं, और म्यूचुअल रिलेशनशिप हर देश की एक मजबूरी होती है, जरूरत होती है। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बाजार है, उन्होंने कहा कि आप हमारे सामान हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स भेजिए, उन्होंने सारी बात की, तो दोनों की एक म्यूचुअल समझ बहुत जरूरी है। एक बात जो नहीं आई हमारी चर्चा, मुझे लगता है कि बार बार वो रेडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात वो अभी भी बोला उन्होंने, लेकिन ये भी कहा कि इमरान खान ने मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों मुल्कों के बीच में, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए कि आतंकवाद को अपने घर में उसको कहीं किसी बिल्कुल वो जिक्र किया उन्होंने, लेकिन ये भी कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच अगर मध्यस्थता की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। हाँ तो वो तो हमें जरूरत है उनकी मध्यस्थता की किसी भी रूप में, पर मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है आतंकवाद में भी हमें टेररिज्म से लड़ने के लिए ये पार्टनरशिप खासतौर से अमेरिका जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट में हमें अपने आप ही पता होना चाहिए कि अमेरिका के इंटरेस्ट सबसे सर्वोपरि रहेंगे और वो ही इज ऑन द गिविंग साइड।
हम बहुत समान पेडिस्टल्स पे नहीं बैठे हैं, तो हमारे हिस्से में बहुत कुछ आया है और जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि अभी पत्ते पूरे खुले नहीं है, पर मुझे लगता है कि इस यात्रा के जो दूरगामी परिणाम है उसका इंतजार करना चाहिए। चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं, इस चर्चा में बने रहिए आप हमारे साथ में। नमस्ते ट्रंप। एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं ट्रंप के भारत दौरे की। भारत में ट्रंप का जो दो दिवसीय दौरा रहा उसको लेकर के हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो अपने अपने नजरिए से कैसे देखते हैं, मैं शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, मैं आम आदमी पार्टी इस दौरे में एक सवाल और पॉलिटिकल खड़ा कर रही है कि जब दिल्ली की स्कूलों में ट्रंप की पत्नी गई और वहां पे हैप्पीनेस सब्जेक्ट को देखने के लिए अरविंद केजरीवाल को उससे दूर रखा गया, तो एक कुछ कारण हो सकते हैं इसमें, आम आदमी पार्टी इस पर सवाल खड़ा कर रही है। नहीं देखिए, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेकर के देश विदेश में चर्चा है और एक राष्ट्राध्यक्ष के परिवार के सदस्य या प्रथम महिला अगर उसके बारे में जानकारी लेने जा रही है तो उसको सही सही जानकारी मिलनी चाहिए, और जिन लोगों ने इस एजुकेशन के सिस्टम को डेवलप किया है उनके बारे में जानकारी भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरकार या विशेष तौर पे आप कह लीजिए कि मोदी जी या अमित शाह जी जिस ईर्ष्या के भाव से सारी चीजों को डील करते हैं, ये मुझे लगता है कि हिंदुत्व के एक उदार जो चरित्र है उसका एकदम कॉन्ट्रेरी है। इतना मतलब नैरो माइंडेड जो है सरकार हो सकती है, ये आश्चर्यजनक है। तो इस पे बहुत ज्यादा चर्चा इस वक्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक हम लोग डिप्लोमेटिक स्टेज पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि आम आदमी पार्टी का प्रोजेक्ट है और उसको भाजपा के लोग समझा रहे हैं, तो हम तो एक्चुअली म्यूचुअल और हमने उसको इंक्लूड किया, मैनेजमेंट ने समझाया हमको। अगर ये बता भी जिस स्टेट में आ रहे हैं उसका चीफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस में ले उनकी अगवानी की है, किसी ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर आपने आगरा में देखा होगा तो वहां पर भी सिर्फ उनको रिसीव करने गए थे, तो रिसीव करने तो चले जाते केजरीवाल, रिसीव करने केजरीवाल गए, रिसीव करने में तो उसमें प्रोटोकॉल हटाओ जबरदस्ती तो नहीं, वो ये विदेश मंत्रालय तो इसको इश्यू नहीं बनाना चाहिए, ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि भाई इशू पार्टी ने नहीं बनाया, ये इशू मीडिया ने बनाया। तो मीडिया ने नाम ज्यादा प्रोटोकॉल होता है वो विदेश मंत्रालय तय करता है। हाँ, तो विदेश मंत्रालय पूरे प्रोटोकॉल में पहले नाम रखा गया, बहुत खुश हो उसके बाद हटाया गया। नहीं लेकिन कुछ हो गया है, बहुत खुश हूँ मैं, यही कह रहा हूँ इतना अच्छा मिलके आम आदमी पार्टी ने खड़ी नहीं की, नहीं कंट्रोवर्सी नहीं बढ़िया प्रोग्राम है, एक्शन से खड़ी हुई, पहले नाम रखा गया, प्रशंसा देखे। इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि स्कूल अगर बहुत अच्छा है, उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो निश्चित रूप से दिस क्रेडिट गोज टू अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया आल्सो जी। और चलिए स्टेट हाँ, मैं आपके पास आना चाहूंगा, हम एफटीए को लेकर के चर्चा कर रहे थे सर, शास्त्री साहब, हम एफटीए को लेकर के चर्चा कर रहे थे और जब H1B1 वीजा की बात हम एक दिन पहले ही कर रहे थे कि क्योंकि रक्षा डील की जो बात थी ये तो ट्रंप पहले ही अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम के तहत तो बता चुके थे कि हम एक बड़ी डील करने जा रहे हैं, उसका संकेत भी दे दिया था उन्होंने, लेकिन एफटीए को लेकर के भी यहाँ के व्यापारी एक उम्मीद कर रहे थे डेफिनेटली। लेकिन देखिए, जब ट्रंप साहब ने शुरुआत में अमेरिका में ही ये हिंट दे दिया था कि कोई बड़ी डील और बड़ा जो है कोई ऐसी चीज हिंदुस्तान को देने नहीं जा रहे हैं व्यापारिक क्षेत्र में, ये तो उन्होंने वहीं कह दिया था कि हम छोटे मोटे व्यापारिक सौदे करेंगे, ये इन्होंने पहले दिन कह दिया था, इसलिए ये तो क्लियर था कि एफटीए के तहत कोई बड़ा जो है
हिंदुस्तान को कोई तोहफा उम्मीद नहीं होनी चाहिए नहीं है। और दूसरी बात, एक एक जो शुरुआत में मैंने कहा कि ठक कर चले गए, तो देखिए क्या कहा उन्होंने यहाँ पर हमारे देश में खड़े रह करके, कि पहले तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जरूरी हुआ तो मैं कश्मीर के मामले में मध्यस्थता करूंगा, जरूरी हुआ तो मैं करूंगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दिया जाना चाहिए था, ये बहुत ही जबरदस्त हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी डिप्लोमेटिक स्टेटस को बहुत बड़ा हिट है। बाद में हालांकि आज ही उन्होंने वो स्टेटमेंट अपना बदल लिया है कि वो दोनों मिलकर के कर सकते हैं। ये भी छाप है ट्रंप साहब की कहना, फिर बाद में वापस उससे वापस आ जाना। बहुत एक्सेंट्रिक है, मीडिया फ्रेंडली नहीं है, ज्यादा ध्यान नहीं मिलता बोला, बट इंडिया का स्टेट बिल्कुल क्लियर है। नहीं, हमारे में ये क्या है, बायलेटरल इशू है या थर्ड पार्टी को होगा ही है, वो ये क्लियर करता। इसलिए अगर उसने बात कर भी ली, वो तो कई बार कर रहे थे, हमारा नियंत्रण नहीं है वो, लेकिन हमारी सरकार ने एक्सेप्ट नहीं, भारत ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। अफगानिस्तान वो भी यही कह रहे हैं कि उनको नहीं कहना चाहिए था, हालांकि हमने स्वीकार नहीं किया, हमको नहीं कहना चाहिए। हमारे विदेश मंत्रालय ने तुरंत खंडन कर दिया है, नहीं हम सब एग्री कर रहे हैं। कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे, 10 बार उनसे मनाई की जा चुकी है, पहले भी प्रधानमंत्री उसको डिनाई कर चुके हैं, इसके बावजूद वो यहाँ कर आकर के शायद तीसरा या चौथा स्टेटमेंट है उनका, कश्मीर से स्टेटमेंट रहा है और भी बोल चुके हैं वो, बट हर बार विदेश मंत्रालय ने इसको डिनाई किया है कि हम ये इशू है। एक 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 मैं आऊं अभिजय साहब, एक बात और कही उन्होंने नागरिकता कानून को लेकर के, और उन्होंने जैसे कहा कि नागरिकता कानून भारत में सभी धर्मों का आदर होता है और इसके लिए स्वतंत्र है, ये ठीक है, ये इतनी सी बात मोदी जी को खुश करने के लिए उन्होंने कह दी कि यहाँ सभी धर्मों का, मोदी जी को इसमें हमारे संप्रभुता का भी ध्यान रखा गया है। जो एक्चुअल सिचुएशन है वो तो हम लोगों के सामने है कि धार्मिक विभेद की स्थिति जो है हमारे देश में जिस तरह की बनी हुई है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है, और यहाँ के देश देश भर में जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है और एक एक कलह की स्थिति पैदा होने की सिचुएशन बनी हुई है, इसमें ये कह दिया तो ये थोड़ा सा मोदी जी को उन्होंने एक तरह से बताया मेरे को, ये जो सीए और एनपीआर और एनआरसी है उसके अंदर आप पार्टी का क्या स्टेटमेंट, आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल पहले दिन से स्पष्ट किया हुआ है कि ये दोनों कानून हिंदुस्तान के लिए इस वक्त कोई जरूरी नहीं। आप नहीं चाहेंगे कि वहां के जो प्रताड़ित हिंदू हैं या जो अल्पसंख्यक हैं उनको यहाँ की नागरिकता, चलिए हमें निर्जय करेंगे, आज हम डाइवर्ट हो जाएंगे, आज हम इससे डाइवर्ट हो जाएंगे, बहुत आम समय की है, आज हम दूसरी बात, आज हम एक बड़े सौदे पे चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ एक सेंटेंस में इनका जवाब देना चाह रहा हूँ कि नागरिकता देने का कानून हमारे देश में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसके तहत आप किसी भी नागरिक को नागरिकता दे सकते थे, ये जो लाया गया है ये धार्मिक खड़ा करने के लिए, ये नहीं है। विजय साहब आप खुद भी जानते हैं, ये मैं आपके पास से आना चाहूंगा, हमारी जो वीजा प्रॉब्लम है H1B1 वीजा लंबे समय से चल रहा है इसका, और दूसरा एफटीए को लेकर के आज भी जब बिजनेसमैन से बात कर रहे थे तो ये मुद्दा उठा था, लेकिन ट्रंप इसमें बोले नहीं, वो ये तो बात कर रहे हैं कि 60% निर्यात अमेरिका ने भारत में बढ़ा दिया अपने कार्यकाल में, लेकिन सबसे बड़ी जो स्मार्टनेस होती है, देखिए ये बात सही है कि वो एक बड़ा ट्रेड हो चाहे सैन्य शक्ति हो, हर तरह से बहुत संपन्न राष्ट्र है, हम उसके आगे बहुत छोटे हैं, लेकिन मोदी साहब कहीं पर भी जाते हैं हमसे छोटे किसी भी कंट्री में, तो जब हम पेपर्स पढ़ते हैं वहां से प्रेस रिलीज जारी होती है पीआईबी की, तो ये बात होती है वो हमें ये देगा हम उनको ये देंगे, हमेशा देखिए। लेकिन आज पूरी डील में ये कहीं नहीं है कि भारत क्या दे रहा है अमेरिका को, हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है उसको कैसे जनरेट कर पाएंगे, ये कहीं नहीं उल्लेख अभी तक, ना मोदी साहब ने किया। मोदी साहब भी जो कह रहे हैं कि बड़ी खुशी के पल है कि ट्रंप यहां पे आए, लेकिन ये नहीं बताया कि हम क्या देंगे उनको। योगेंद्र जी सबको पता है कि हिंदुस्तान अमेरिका को चला रहा है,
हिंदुस्तान के ये देखो मैं आपको बता दूंगा जितने उनके जितनी टॉप कंपनी है उसके सीईओ हमारे भारत को क्या दे रहे हैं भारत को अरब मजदूर है वो दे रहे हैं मजदूरों से ज्यादा अरब कंट्रीज के अगर हमारी आज ये बताऊं मजदूर दे रहे हैं इंडिया में आया है सबसे ज्यादा अरब कंट्रीज से मजदूरों से आ रहे हैं चले गए एक्चुअली यहाँ पे रोजगार नहीं थे वहाँ पैसा अच्छा मिलता था इसलिए लग जाते एक बात अभी एक आर्टिकल और सर्वे छपा मैं उसका आपको छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा जिस और थोड़ा सा संकेत अभी डॉक्टर करोड़ी सिंह जी ने दिया उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और चाहे विदेश के किसी भी मुल्क में फॉरेन में जो लोग जाके बसे उनसे बेहतर कंट्रीब्यूशन जो गल्फ में मजदूर जाते हैं उनका इंडियन इकोनॉमी में कहा जा सकता है ये बाकायदा एक मैं आंकड़े के साथ में कह सकता हूं आपको ये बात आप इस बात को हम खुश हो रहे हैं कि पड़ोसी का बेटा चले बने गांव का नाम रोशन हो रहा है वहां तक ठीक है लेकिन उस बेटे का आपके परिवार के साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है यहां सवाल ये है कि हम ले रहे हैं हमारे यहां भी तो ऐसी कुछ चीजें होंगी जो दुनिया की जरूरतें होंगी हमसे क्या ले रहे हैं क्योंकि वो जिस सभ्यता में जाते हैं वो इतनी सेल्फ सेंट्रिक है कि वहाँ का बच्चा आपके लिए आप कुछ करेगा आज जो सत्यम शिवम सुंदरम हाँ। जो सत्यम नडेला है शिव नाडार है और सुंदर पिचई है आप ये कौन है ये है कौन ये सारे बात ये बता दीजिए तो सर उनके एसआर के पैसे भी आपके काम नहीं आते आप आगे जाकर इनकी छुट्टी आज ये विजन मैंने आपको अलग से डिस्कशन कर लेंगे बहुत सिंपल सा सवाल है बहुत सिंपल सा सवाल मैं तो वो जानना चाह रहा हूँ 22 बोरा से अलग से डिस्कशन कर लेंगे 22 बोरा पे ये बेसिकली वीजा की जो प्रॉब्लम है वीजा वाला इश्यू है देखिए ये हमारे एच1 बीयू जो है ये वाला और वहाँ पर जो प्रोफेशनल जाते हैं उनके लिए इंटरेस्ट का था बस ये इंटरव्यू दिया और रिलेट करने की बात करिए जोर देते आने से पहले इलेक्शन ले लेते तो मानता है कि भाई हमारे सिस्टम ट्रेड वाले पे बाकी के लिए लगा था वो सारे पूरे हिंदुस्तान के लिए भी लग रहा था वो कहते हैं हम इसको अलग से हिंदुस्तान प्रोफेशनल जो है आप भी कह रहे हैं कि अमेरिका चला रहा है और वो उनको रोक रहे हैं कि नहीं नहीं अब हमको नहीं चाहिए अमेरिकन जॉब का ऐसा मैं इस तरह से कह रहा हूँ जो एफटीए के लिए बात कर रहे हैं आपस फ्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बात कर रहे हैं देखिए उस पे भी ट्रंप लगातार टाल गए वो टाल गए काल में हुआ है तो पहले नहीं सॉरी पहले भर राहत करिए फ्री ट्रेड हां मेक्सिको और कनाडा से सेबोटेज कर दिया उन्होंने फ्री ट्रेड नाफ्टा को भी नेगोशिएट किया उनसे बहुत छोटे मुल्क है हमसे भी बहुत छोटे मुल्क उनके साथ एफटीए कर लिया इन्होंने और हमारे साथ में छोटे मुल्कों में हर आदमी का इंटरेस्ट होता है उसका रीजन अलग होता है उनको अपना माल बेचना होता है सब कुछ काम करना होता है आज हिंदुस्तान को हर आदमी मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान और चाइना दो कंट्री ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है हर वर्ल्ड का हर आदमी क्या है तो छोटे छोटे दो बातें कह रहे हैं सर आपने दो बातें कही आपने एक तो बात ये कही कि छोटे मुल्कों के अंदर वो बाजार ढूंढ रहे हैं लेकिन चाइना और भारत ऐसे मुल्क हैं उसके आगे के शब्द मैं आपको शायद बीच में रोक दिया इस वजह से पूरे नहीं कर पाया लेकिन फिर भी सर वही तो चिंता की बात कह रहा हूं कि हम वो बड़ी तारीफ के साथ में कह रहे हैं कि 60% निर्यात बढ़ा है भारत में अमेरिका का सर इसमें अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए क्या गौरवान्वित बात है हम एक्सपोर्ट कितना दे रहे हैं वहां हमारा माल कितना भेज पा रहे हैं सबसे बड़ी बात तो ये है देखने हमारे तो कंसेशन विड्रॉ कर लिया जो बात से ये प्रेशर और है कि उन्होंने अपने मलेशिया जैसे कंट्री के साथ में एफटीए किया उन्होंने अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरे दो दिन की जो यात्रा मैं बहुत ही देख रही थी उनकी पत्नी के साथ ताजमहल में घूमते हुए और बड़ा खूबसूरत लग रही थी उनकी पत्नी और उनकी ड्रेस भी इंडियन डिजाइनर ने डिजाइन की है उनके पूरी बॉडी लैंग्वेज से मुझे कहीं नहीं लगा कि वो किसी गंभीर व्यवसायिक या राजनीतिक वार्ता करने आए तफरी करने आए और क्या बात है? इतने सारे लोग इतनी जनता मोदी जी चरखा काट रहे सुनिए उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए इतना दम उनके चेहरे पर आपने कैसे आशा रखी कि वो आपको कुछ देने आए कुछ गंभीर देखो मुझे तो पता नहीं लगा
जी, लेकिन आप एक बात तो मानेंगे, ये जो नेगोशिएशन होते हैं ये तो 15 दिन पहले 20 दिन पहले ऑलरेडी हो चुके होते हैं। यहाँ पर तो 15 दिन महीनों लगते हैं, बहुत करना, होमवर्क बहुत होता है, ऐसे नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ से बकायदा उनके भी होमवर्क जवाब दे ही। देखिए सर, दोनों तरफ है, सरकारें आती जाती रहती, लेकिन ये एग्रीमेंट्स तो काफी स्थायी रहेंगे। तो चिंता इस बात पे करूंगी कि चुनाव के बाद अगर डेमोक्रेट्स जीत गए तो हिंदुस्तान क्या जवाब देगा? लिए तो कोई जवाब नहीं करनी पड़ेगी। हाँ भाई, ये तो महीनों पर पहले हो जाती है ऐसी डील। अगर कोई भी होती है 3 बिलियन डॉलर की अगर कोई डील है, वो ऐसा ट्रंप साहब ने पहले ही कह दिया कि साहब वही हम छोटे मोटे सौदे करेंगे, आप जो है यहाँ पर हम तो गीत गा रहे थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो होना था वो तो महीने भर पहले हो गया। बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिए कि भाई कोई बड़ा सौदा नहीं होने जा रहा है, बड़ा कोई व्यापारिक समझौता नहीं होने जा रहा है, और ये भी कह दिया कि साहब मोदी साहब बड़े टफ नेगोशिएटर, जबकि असलियत मेरे पहले दोस्त वो तो लोकाचार होता है, कोई मीनिंग नहीं होता केवल इसका। अखबारों में विवेकानंद क्या मिला, क्या उनको मिला, क्या हमारे बस ये है। आज का तो माना जा सकता है कि सर इस डील में तो हम सिर्फ एकदम साफ कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि ट्रंप ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो ये कहूं कि उनका जो सत्कार था उससे तो अभिभूत हुए, लेकिन वो अपना सामान भी बेच के चले गए, ये कहा जा सकता है। देखिए योगेंद्र जी, ट्रंप अपने इस यात्रा में जितना उनका बिजनेस पार्ट था यात्रा का, उसमें बहुत सफल रहे, हम उस सीमा तक सफल नहीं रहे। जैसे नार्को टेररिज्म की बात की, उससे अमेरिका भी टेररिज्म से प्रभावित है, भारत भी है, लेकिन कोई कंक्रीट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारत की स्थिति है एक गोल्डन ट्रायंगल है, इधर हमारे ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में गोल्डन क्रिसेंट है, दोनों के बीच में सैंडविच हो रहा है, और जहां नार्को टेररिज्म जेनरेट होता है उसके लिए कुछ भी नहीं कहा। मैं वाले टेररिज्म की बात करना चाहूंगा सर यहाँ पे, जैसे उन्होंने अभी जिक्र किया कि ईरान के सेनाध्यक्ष का जिक्र किया, उन्होंने आईएसआईएस का जिक्र किया, क्या ये कहा जा सकता है कि जो लिस्टेड पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, क्या इस मौके पर उनका जिक्र किया जा सकता है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जहां हर्डल्स हैं या कोई रडर या वीटो अपना को लगाता है, हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि आतंकवाद दुनिया के सामने सबसे बड़ा सरदर्द है और इसमें कोई वीटो पावर यूज नहीं करे, क्योंकि ये ध्यान होगा अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट डिक्लेयर कराने के लिए किस तरह से चाइना का वीटो रहा उस वक्त। देखिए योगेंद्र जी, अमेरिका भारत का एक सीमा से आगे समर्थन नहीं करेगा। यूएनओ की जनरल असेंबली में 25 साल पहले भारत ने कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म का प्रस्ताव रखा था, आज तक वो जनरल असेंबली में पास नहीं हुआ है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता को लेकर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो अमेरिका इस सीमा से आगे भारत का समर्थन नहीं करेगा। अमेरिका इसी सीमा तक करेगा कि अमेरिकन गुड्स को भारत खरीदता रहे और अमेरिकन प्रोफेशनल्स हैं वो अमेरिका के विकास में योगदान देते रहे, और इंडियन डायस्पोरा जो मैक्सिमम डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जाता है, लगभग 80% बताते हैं वो, तो वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ आ जाए, ये उनका मिशन था और उसमें वो सक्सेसफुल रहे, और भारत को कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ मिला। मेरा एक सवाल विद्या जी ने, सवाल सर शास्त्री सवाल रहा हूं, एक सवाल खड़ा किया अभी विद्या जी ने कि सपोज अगर रिपब्लिकन्स नहीं आते वहां पे, डेमोक्रेटिक्स आते हैं, वो भारत के हित में ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक पार्टी के हम लोग सपोर्ट काफी कर रहे हैं। हम सब हम नहीं, भारत जाती भारत को भारत चेंज होती है। देखिए डील जो देश उसको नहीं देश के प्रति नीति है, वो डेमोक्रेट्स की नीति भारत के प्रति ज्यादा उदार है, ज्यादा अच्छी है, तो अगर डेमोक्रेटिक पार्टी आती है तो भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट भारत को ज्यादा फायदा होगा। हो सकता है बहुत से जो नेगोशिएशन अभी स्टाल हुए हुए हैं या जीएसटी है, सरकार हो सकता है जीएसपी को रेस्टोर कर दे, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रेसिडेंट आता है जीएसपी को रेस्टोर भी कर सकता है, भारत को कंसेशन दे सकता है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा भारत के साथ ज्यादा तो भविष्य के बारे में ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी एंटी इंडिया स्टैंड कभी भी नहीं लेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रंप साहब जो है ठग करके चले गए हैं, नहीं तो इनकी पार्टी कभी हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में इस तरह से पॉजिटिव रही है, न ट्रंप साहब का कार्यकाल ऐसा इंडिकेशन देता है कि भारत के पक्ष में बहुत कुछ छूट या कुछ लिबरल एटीट्यूड रखा गया, बहुत टफ एटीट्यूड रखा गया।
और आगे भी उन्होंने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया कि साहब मोदी जी के साथ जो बहुत ही दोस्ती है उनकी, बहुत नजदीकी क्लोज, ये सब, हालांकि ये मीडिया हाइप बनाने के लिए होती है, कुछ व्यक्तिगत दोस्त अमरीकी राष्ट्राध्यक्ष का भी दोस्त, एक लेसन है कि अननेसेसरीली ये झूठी जो दोस्ती की जो कहानियां कही जाती हैं ये नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जनता को उससे निराशा हाथ लगी लगती है और ये इसका प्रमाण है। मीडिया को रियलिस्टिक पिक्चर दे रही है, आप बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। आपको बताओ जो बहुत जल्दबाजी है मीडिया की, आप जो कह रहे हैं कि भाई देखो क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है ना, अपने अपने इंटरेस्ट का, अपने स्टेट का इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर दोस्ती किस बात की, दोस्ती से इसका थोड़ी होता है। बताइए अगर मैं रिश्ता ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो देखता है पॉजिटिव, ये हर आदमी अपनी पॉजिटिव देख के काम करे, वो तो कौन जीतता कौन हारता है, देखो ट्रांजेक्शन जब होता है तो कॉमर्शियल वैल्यू पे तो नहीं किया जाए, कॉमर्शियल वैल्यू पे होता है। मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि हाइप होता है ना, जनता को लगता है कि बहुत कुछ देखे जाएगा, निराशा होती है। चलिए विद्या जी के पास में एक बार मारूं, विद्या जी के पास जाना चाहूंगा मैम, और हम देखे क्योंकि हम इसे कंक्लूड करेंगे, तो इस दौरे को एक साफ नजरिए से एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते पूरे दौरे को, दो दिन का दौरा रहा, हमने स्वागत सत्कार भी किया, उनके साथ डील जो हुई है वो भी बाहर आ गई है, और तमाम पहलुओं पर चर्चा तो की उन्होंने, लेकिन कुछ पर बचते भी रहे ट्रंप। नागरिकता को लेकर जरूर कहा कि मोदी इस दिशा में सही काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल हम बात करें तो किस तरह से देखा जाए इसे? नहीं, मुझे लगता है कि ट्रंप को ज्यादा मदद करेगा ये दौरा, और वो उन्हीं का ही शायद ज्यादा इच्छा रही होगी यहाँ आने की, और उसका वजह बिल्कुल ये कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे दौरा हुआ वो उसकी उनको बहुत आवश्यकता थी, उस एक पॉपुलिस्ट अप्रोच की और जनता तक पहुंचने की, उसमें बहुत गंभीर और हम लगातार इस चर्चा में बात सामने आई कि हिंदुस्तान के पक्ष के तरफ से कोई बहुत बड़ी चीजें हमें हासिल नहीं हुई है, पर ट्रंप इसमें सफल हुए, जो वो करना चाहते थे वो कर गए, वो अपनी छवि बना गए हैं ग्लोबल, वो अपना सामान बेच गए हैं, उन्होंने बाजार खोल दिया है, उन्होंने रहने वाले हिंदुस्तानी को अप्रोच कर लिया है, और एक बड़ी सॉफ्ट और मतलब जब चरखा काटते हैं वो सारी इमेज जो बिल्कुल एंटी ट्रंप, क्योंकि ट्रंप का पूरा इतिहास हमारे सामने है, इतने एंटी ट्रंप मूवमेंट अमेरिका में चल रहे हैं, सत्याग्रह के तरीकों से चल रहे हैं, कोई भी अमेरिका का बुद्धिजीवी मीडिया उनके पक्ष में नहीं है, उसके बावजूद अगर संभावनाएं बनती है उनके जीतने की, उस सारी छवि को तोड़ने का एक जो काम वो करना चाहते थे शायद वो सफल ढंग से कर पाए। जी डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देखेंगे इसे? देखिए, मैं विद्या जी से सहमत हूँ कि इस ये ट्रंप के फेवर में ज्यादा होगा, लेकिन भारत को एक साइकोलॉजिकल बूस्ट जरूर मिलेगा। पाकिस्तान जो कि भारत के अगेंस्ट में हमेशा करता रहता है, लोबिंग भी कर रहा है, और कांग्रेस मैन और ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, सबको वो तैयार कर रहा है, तो पाकिस्तान को एक झटका जरूर लगेगा, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है तो पाकिस्तान भी जाने की कोशिश करता है, तो केवल भारत के लिए आए तो ये तो पाकिस्तान को साइकोलॉजिकल झटका लगेगा, भारत को मोरल बूस्ट मिलेगा। दूसरा, इंडो पैसिफिक रीजन में है जो कि भारत और अमेरिका मिलकर चाइना को कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाइना को भी एक झटका लगेगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर चाइना अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पूरा करना चाहता है, दबाव बनाना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्रीज पे, तो अमेरिका और भारत एक साथ खड़े होंगे और उसका विरोध करेंगे, तो चाइना और पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकल तरीके से झटका लगेगा, और आगे अगर अच्छी नीति बनती है तो भारत अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में इसको बुना सकता है। बाकी टू द पॉइंट अभी कहूं तो भारत को कोई बहुत ज्यादा इसमें मिलने वाला नहीं है, लेकिन लोकाचार के नाते एक कोई फॉरेन डिग्नेटरी आता है, हमारा मेहमान है, स्वागत करना, अच्छी तरह से उनको खुश रखना, ये हमारा फर्ज बनता है, और वो भी बहुत अच्छी भाषा बोल के हैं, बहुत ही कड़वी भाषा कोई नहीं बोली है, तो इस स्थिति में भारत को साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला है, और अमेरिका का अपना स्ट्रेटेजिक राजनीतिक, ट्रंप का स्वयं का राजनीतिक और आर्थिक, अमेरिका का आर्थिक हित मजबूत हुआ है। जी जी, शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा, पॉलिटिकल दृष्टि से अपोजिशन ने कुछ बातें कही खर्चे और इनको लेकर के, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो ट्रंप के दौरे को विश्लेषकों का यह साफ कहना है कि वक्त कोई सा भी हो लेकिन एक्सक्लूसिवली जो इंडिया के लिए उन्होंने अपना टाइम निकाला उसके कुछ दूरगामी परिणाम आ सकते हैं, खासकर किसी रणनीतिक उसमें माने या फिर जब हमारी फॉरेन पॉलिसी उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। मैं विद्या जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं, और किरोड़ी जी की इस बात से, मैं किरोड़ी जी के
कमेंट पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया है सरकार के पक्ष में, अदरवाइज विद्या जी जो कह रही है वो एकदम अक्षर से सही है कि देखिए चाइना या पाकिस्तान को झटका लगेगा इनकी केवल विजिट मात्र से, बाकी तो वो ठग के गए हैं, बाकी देखे तो कुछ गए नहीं है, केवल अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आकर के चले गए, इससे चाइना को झटका लगेगा, पाकिस्तान को झटका लगेगा, ये हमारी आत्मसंतुष्टि के लिए तो काफी है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आज के दिन किसी राष्ट्राध्यक्ष के विजिट के मायने जो है चाइना भी जानता है और पाकिस्तान भी जानता है कि वो जो है टफ नेगोशिएशन के लिए, व्यापारिक सौदों के लिए आते हैं और उसमें हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है, ये उनको अच्छी तरह पता है। जी आरपी विजय साहब, आखिरी सवाल आपसे है मेरा, ओवरऑल जो चर्चा रही उसमें कुछ सवाल भी उठ रहे हैं इस दौरे को लेकर के, कि हिंदुस्तान को कुछ मिला नहीं है, हिंदुस्तान के लिए ये कह सकते हैं जो अभी शास्त्री साहब ने कहा कि एक आत्मसंतुष्टि कह सकते हैं, बाकी मिला कुछ नहीं है। योगेंद्र जी, जी ये कहना बेमानी है कि हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला। आज जो कम साहब आए हैं वो स्पेशली कोई डील करने के लिए नहीं आए हैं, एक जो वातावरण या जो खराब हो रहा था बेसिकली कि आज जो चाइना की और जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये जो डिफेंस डील हुई है इससे बहुत बड़ा संदेश गया है। जैसे किरोड़ सिंह जी कह रहे थे कि इससे डेफिनेटली आज पाकिस्तान को झटका लगेगा, चाइना को झटका लगेगा, और हमारे पास हमारी जो सीमा सुरक्षा है, जो सीमा सुरक्षा हमारी जो कमजोर, रक्षा डील से झटका नहीं लगेगा सर, वो ये नहीं कह रहे, रक्षा डील से झटका नहीं कह रहे, सौदे से नहीं कह रहे, सौदे से नहीं कह रहे, झटका लगेगा, अच्छा ना रक्षा डील से ही झटका लगेगा। मैं आप बताऊं जो डील डील उसी को मानते हैं सर, डेढ़ साल ये तो पहले होते हैं, सिग्नेचर सेरेमनी पुराना है, सौदे बहुत पहले होते हैं, समय नहीं है, बहुत सारी चर्चा इस पर हो सकती थी, विद्या जी कुछ कहना चाह रही थी लेकिन समय का अभाव है तो मैं रोकना चाहूंगा सभी को। कुल मिलाकर के ट्रंप का यह दौरा भारत के लिए यादगार कहा जा सकता है, इसके क्या राजनीतिक मायने और बिजनेस डील्स के साथ में जो ट्रेड के मायने रहेंगे, ये इसका ये कहें कि इफेक्ट आने वाले दिनों में उसका पता चल पाएगा और किसको कितना फायदा है, ये देखिए अलग अलग तराजू में हम देखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक यादगार दौरा रह सकता है और कहा जा सकता है। और ये भी मैं कहूंगा कि भारत के लिए कुछ उन्होंने अच्छी एक जो मनोभावना है वो लेकर के गए, लेकिन अब इफेक्ट कितना होगा ये बड़ा सवाल होगा कि ट्रंप वास्तव में जैसा यहां पर दिखा के जा रहे हैं वैसा उनका मन और दिमाग वहां पे रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ट्रंप एक वक्त में क्या कहते हैं दूसरे वक्त उससे बदल जाते हैं, व्हाइट हाउस को स्टेटमेंट्स भी जारी करने पड़ते हैं, ये एक बड़ी बात है। इस वजह से भरोसे की जो बात है, डील्स में भरोसा कह सकते हैं लेकिन उनके वक्तव्य के साथ में कई चीजें कंट्रोवर्सी से भी जुड़ती हैं, ये सबको मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्ते ट्रंप। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।